हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। माय नेम इज राजवर्धन, और जैसा कि आपको पता है आने वाले कुछ ही टाइम में आपको LIC की नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। तो उसी को लेके हम लोगों ने आपके साथ आपके लिए तैयारी के लिए सेशन शुरू किए हैं, जिसमें कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हमने एक पजल का सेट सॉल्व किया था और एक डायरेक्शन डिस्टेंस का सेट सॉल्व किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ किसके क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, क्योंकि ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपका मोर देन 50% या 50% एग्जैक्ट आपका जो है पेपर कवर करते हैं। यानी कि अगर 35 क्वेश्चन आपको करने हैं तो 35 में से यानी कि 17-18 क्वेश्चन आप इन्हीं दो टॉपिक से एक्सेप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 17-18 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के ही आने वाले हैं। 2019 में भी 20 क्वेश्चन थे इन दोनों टॉपिक से ही। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने पजल का सेट देखा था, इसमें हम लोग देखते हैं सर सिटिंग अरेंजमेंट 2019 के पेपर में किस टाइप का आया था। ठीक है, ये था क्वेश्चन, क्या कह रहा है, देयर आर नाइन पीपल, नौ पीपल हैं ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, हु आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, एक सर्कुलर टेबल है उसके चारों तरफ ये लोग बैठे हैं ऐसे के ऐसे। ठीक है, ऑल आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टेबल, सारे के सारे लोग सेंटर ऑफ द टेबल की तरफ फेस करके बैठेंगे। ठीक, इतना हमको पता लग गया। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से दिया है स्टार्ट, ये अब तक डायरेक्शन थी, अब यहाँ पे है इंफॉर्मेशन जो अरेंजमेंट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, ए जो है वो बी के सेकेंड टू द राइट है। अगर मैं बी को यहाँ मान लेता हूँ तो बी का सेकेंड राइट वन टू, ये हो जाएगा सेकंड राइट में, कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे एच इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी, एच जो है वो बी का इमीडिएट नेबर है। तो यानी कि इसके साथ हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, हम क्या, एक तो ये हो जाएगी पॉसिबिलिटी और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, बी यहाँ पे है एक के बाद ए यहाँ पे है और दूसरे डायरेक्शन में एच आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि नेबर इस साइड भी हो सकता है और उस साइड भी हो सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पे बना ली है। बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, और ये जो बी है ये डी के सेकेंड राइट में है, तो इसका मतलब डी यहाँ कहीं रहा होगा, तभी इसका सेकेंड राइट बी हो जाएगा। इस केस में डी यहाँ पे है, बी हो जाएगा हमारा इधर। ठीक है, देयर आर थ्री पीपल हु आर सिटिंग बिटवीन सी एंड एच, सी और एच के बीच में तीन लोग होने चाहिए। तो देखो अब वो किधर भी हो सकते हैं क्योंकि नौ लोग हैं टोटल। अगर मैं यहाँ से काउंट करूं वन टू थ्री, यहाँ पे सी हो सकता है, और अगर इधर से काउंट करूं वन टू और थ्री, यहाँ पे सी हो सकता है। अभी हम इसकी हिंट इस तरह से बना लेते हैं बस, क्योंकि वो अभी हमारे पास फिक्स नहीं मिल रहा है कुछ भी। सी और एच के बीच में तीन लोग हैं, ई इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, और ये जो ई पर्सन है ये सी के सेकेंड टू द राइट में है, तो सी के सेकेंड टू द राइट में कौन है पर्सन, ई है। ठीक है, ओनली टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में दो लोग हैं, तो डी और एफ के बीच में दो लोग रहेंगे, तो इस केस में तो यहाँ पे नहीं आएगा एफ, तो इस केस में आ जाएगा एफ हमारा यहाँ पे। ठीक है, इस केस में यहाँ पे भी आ सकता है और इस और इधर भी आ सकता है, तो अभी हम देखेंगे कहाँ पे बनेगा वो। डी और एफ के बीच में दो पर्सन है। ठीक है, आई इज सिटिंग बिटवीन बी एंड ए, आई जो है वो बी और ए के बीच में बैठेगा। तो देखिए इसका मतलब बी और ए के बीच में यहाँ पे आई के लिए जगह नहीं है क्योंकि एच यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये वाला केस हो जाएगा हमारा एलिमिनेट। यहाँ पे आई बैठ सकता है बी और ए के बीच में। अब आई की पोजीशन अगर ये फिक्स हो गई है तो डी और एफ के बीच में जो दो लोग थे, तो डी और एफ के बीच में दो लोग यहाँ छोड़ के कौन हो जाएगा, एफ यहाँ पे आ जाएगा। टोटल कितने लोग हो चुके हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, आठ लोग हो चुके हैं, नौ लोगों का ये अरेंजमेंट था। तो अब देखो नौवा लोग कहाँ पे आना चाहिए, वो नौवा जो पर्सन है, क्या बोला था इन्होंने, सी और एच के बीच में तीन पर्सन है, तो एच हमारा यहाँ पे है, तो एक दो तीन पर्सन छोड़ के सी नहीं आ सकता इधर, तो एक दो तीन पर्सन छोड़ने के बाद सी आ जाएगा हमारे यहाँ पे। और दूसरी क्या कंडीशन थी, सी के सेकंड टू द राइट में कौन है पर्सन, ई है, सी का सेकंड टू द राइट वन टू, यहाँ पे आ जाएगा पर्सन ई। अब एक पर्सन जो बचा है उसके लिए जगह वहां पे खाली है, कौन सा पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ जी, जी नहीं है, तो जी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इसका फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा दो यहाँ पे पॉसिबिलिटी जनरेट हुई थी, तो ये वाली पॉसिबिलिटी कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, तो ये हमने एलिमिनेट कर दिया और दूसरी पॉसिबिलिटी के साथ हमने आगे का अरेंजमेंट इसका ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक ये सर्कुलर अरेंजमेंट आया था आपका पेपर में। अब देखो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा किस टाइप के हो सकते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जी,
जी के थर्ड टू द राइट में कौन है? अब जी के थर्ड टू द राइट में कौन है देख सकते हैं, जी के थर्ड टू द राइट में है 1 2 3 बी। क्या बी ऑप्शन में हमको मिल रहा है? बी हमारा कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हमको स्टेटमेंट पढ़ के आंसर देना पड़ेगा। द वन हु इज सिटिंग बिटवीन आई एंड सी, आई और सी के बीच में है क्या? बी आई और सी के बीच में ए है, बी नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। द वन हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, एच का इमीडिएट लेफ्ट डी, डी है नहीं होना चाहिए ये, बी हाँ क्योंकि बी हमारा आंसर है। द वन हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के सेकंड लेफ्ट में, हाँ जी ए के सेकंड लेफ्ट 1 और 2, ए के सेकंड लेफ्ट में बी है, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आ गया लीनियर अरेंजमेंट, एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया था, एक आया था लीनियर अरेंजमेंट का। इसमें आपको क्या करना है, 10 लोग हैं, इनके नाम यहाँ पे दे रखे हैं, आर सिटिंग इन अ सिंगल रो एंड ऑल आर फेसिंग टू द नॉर्थ डायरेक्शन। 10 लोग हैं, एक ही सिंगल रो में बैठे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में सभी का फेस है। अभी हम मार्किंग नहीं करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर्सन को सेट करते चलेंगे, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। यहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट है, ए सिट्स फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, ए जो है फोर्थ बैठता है एक्सट्रीम एंड से। अब देखो दो एंड है, एक तो लेफ्ट एंड हो गया, 1 2 3 4, अगर यहां से फोर्थ बैठा दिया ए तो ये कंडीशन बनेगी, और दूसरी क्या कंडीशन बन सकती है, 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे आ जाएगा ए, अगर राइट एंड से देखें, लेफ्ट एंड से देखें तो ए की पोजीशन हो जाएगी ये, ठीक है। 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 3 लोग हैं, तो इसके लेफ्ट में तो 3 की जगह नहीं है, तो यहाँ पे ही होंगे 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा कौन, बी, ऐसे इधर 1 2 3, इधर आ जाएगा बी। तो टोटल कितने लोग हो गए अब तक, 4 और 4 8, यहाँ पे भी 8 लोग हो चुके हैं, टोटल हैं 10 लोग, ठीक है। सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, सी जो है वो बी के इमीडिएट राइट में है, नॉर्थ फेसिंग है तो इमीडिएट राइट ये होगा, ऐसे इन दिस केस नॉर्थ फेसिंग में इमीडिएट राइट ये होगा। 9 लोग हो चुके हैं, 10वां पर्सन यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। इसके आगे 2 लोग और कौन ऐड होंगे, वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में 2 लोग हुए हैं, 2 लोग होंगे, तो सी और डी के बीच में इस केस में इधर तो नहीं हो सकता डी, तो यानी कि 1 और 2, डी हमारे यहाँ हो जाएगा। इस केस में क्या हो सकता है, 1 और 2 के बाद यहाँ नहीं आ सकता डी, क्योंकि ए है ऑलरेडी, इस केस में डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं इसको, ए है यहाँ पे, ठीक। 3 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड सी, आर और सी के बीच में 3 लोग हैं, तो R और C के बीच में 1 2 3 इधर तो नहीं आ सकते। अब देखो 1 2 3, 1 2 3 R आ जाएगा हमारा यहाँ पे, 3 और 3 6 और 4 10, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 के बाद R आ जाएगा हमारा इधर, ओके। 3 पर्सन सिट बिटवीन R एंड C, R सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, R जो है वो P का इमीडिएट लेफ्ट है, तो इस केस में तो P का इमीडिएट लेफ्ट, पी तो यहाँ पे जगह है ही नहीं क्योंकि डी ऑलरेडी है, और डी के इमीडिएट लेफ्ट में आर आ रहा है, तो ये वाला केस हो जाएगा यहाँ पे एलिमिनेट, यहाँ पे आ जाएगा पी केस नंबर 2 में, ठीक है। और क्या चीज है, 2 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में 2 लोग बैठते हैं, तो देखेंगे अभी एस और टी के बीच में 2 लोग हम कहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ हमने इसको ऐसे बना लिया, एस सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ टी, एस जो है वो टी के लेफ्ट में होना चाहिए, ठीक है। और चीज क्या मिसिंग हुई है, ये वाली लाइन, E sits to the right of R. E जो है वो R के राइट में बैठना चाहिए, तो इस केस में केवल एक ही जगह बच रही है R के राइट में, ये आ जाएगा E यहाँ पे। S और T के बीच में 2 लोग होने चाहिए, तो अगर मैं T को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 के बाद S यहाँ नहीं आ सकता, तो हमारी मजबूरी हो गई S को यहाँ रखना, और T आ जाएगा हमारा इधर। अब एक जो पर्सन बचा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा, कौन पर्सन है, ए बी सी डी ई और पी क्यू, क्यू बचा है आई थिंक हमारा पर्सन, जो आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल अरेंजमेंट, सभी के सभी नॉर्थ फेसिंग लोग हैं, तो इस तरह से ये अरेंजमेंट यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी बनी थी, एक पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गई क्योंकि ये वाली डायरेक्शन, ये वाली जो वो थी कंडीशन, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गई थी, ये हमारा इसका फाइनल अरेंजमेंट हो जाएगा। इस पे बेस भी इस अरेंजमेंट पे भी 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, ये मैंने आपको 2 वीडियो में दिखाया किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं 2019 के पेपर में। आगे हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, नए टॉपिक वाइज भी करेंगे आपके साथ डिस्कस, जो भी आपके पेपर से रिलेटेड हेल्प होगी वो हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड टेक केयर।